हाय, दिस इज़ अदिति राणा। टुडे वी विल कंप्लीट क्लास 7th पॉलिटी चैप्टर 9 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। अब हम देखेंगे कि लोगों ने समान अधिकार पाने के लिए कितने संघर्ष किए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स एवरी सिटीजन इक्वली विद एनी पर्सन इज कास्ट रिलीजन जेंडर एंड नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ बींग रिच और पुअर। जो हमारे भारत का संविधान है उसमें तो हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखा जाता है। किसी के साथ भी आप जाति, धर्म, लिंग तथा अमीर या गरीब होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शन। और हमारे देश के हर वयस्क नागरिक को, जो भी 18 प्लस है, उन सभी लोगों को चुनाव के दौरान मतदान देने का, वोट देने का अधिकार भी दिया गया है। इन इंडिया पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड, फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं, जो हकीकत है वो क्या है कि भारत में अभी भी अनेक आधारों पर लोगों के साथ भेदभाव होता है। कभी हमें धर्म के नाम पर, कि आप दूसरे धर्म के हो, हमारे साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाता है। कभी जाति के नाम पर इशू बनाया जाता है। कभी लिंग के नाम पर हमसे अलग अलग जगह पर भेदभाव किया जाता है। सो स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष, लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया ताकि उन्हें एक ही नज़र से देखा जाए, एक ही लेवल पे रखा जाए। मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, कम्युनिटीज एंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉट फॉर इक्वालिटी दैट पीपल रिस्पेक्ट हिम। दुनिया में विभिन्न गांव, समुदाय और शहरों के अनेक लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया लाइफ में, इसलिए ताकि उन्हें सम्मान मिले, बराबर सम्मान मिले। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की। When inequality started increasing with lower caste women or anyone else, people fought against it. पास्ट में क्या हुआ था, अगर आप किसी निचली जाति के हैं या आप महिला हैं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो जब इतनी इनइक्वालिटी हो गई, बहुत ज़्यादा भेदभाव करा जाने लगा, तब लोगों को लगा कि हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना चाहिए, और उसके बाद बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए। वन सच एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे इस चैप्टर में हम ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे मध्य प्रदेश का। तवा मत्स्य संघ, इस चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के तवा मत्स्य संघ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When a forest area is declared a sanctuary or dams are built, a large number of people are displaced. Most of these displaced people are poor. जब भी किसी जंगली क्षेत्र को आप अभ्यारण घोषित कर देती है सरकार, यानी कि वहाँ पे सेंचुरी बनाई जाती है या वहाँ पे डैम्स का, बांध का निर्माण होता है, तो उस वजह से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ से विस्थापित करते हैं। उनका जो रहने का प्लेस है उसे बदल दिया जाता है कि अब आप यहाँ नहीं रह सकते, इस जगह पे हम सेंचुरी बना रहे हैं या डैम्स बना रहे हैं, आपको यहाँ से हटा दिया जाता है, कहीं और जगह दे दी जाती है। तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर पुअर, इनमें से जो अधिकांश लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। ठीक है, देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रंस स्कूलिंग इज सीवियरली डिस्टर्ब्ड। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, हम शहर के बाहर का जो इलाका है वहां पे रहने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन इसकी वजह से जहां पे वो जॉब करते थे उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस उनकी जो बच्चों को स्कूल आने जाने की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पहले हमारी क्या टेंडेंसी है, मान लीजिए यहाँ पे हम रहते थे तो हमारे बच्चे घर के पास वाले स्कूल में जाते थे, हमारी जो जॉब थी वो भी घर के पास थी, लेकिन बिकॉज यहाँ पे डैम्स बनाने थे जिस एरिया में हम रहते हैं या फिर सेंचुरीज बनानी थी, हमें यहाँ से हटा दिया गया, अब हमें शहर के बाहर घर दे दिया गया। लेकिन अब आप देखोगे कि हमारे घर से स्कूल कितना दूर हो गया, हमारे घर से जो हम जॉब करते थे वो कितना दूर हो गया। तो इस वजह से इन लोगों की जो लाइफ है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। पीपल यूजली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। आमतौर पर जब लोग हैं वो इसके खिलाफ लड़ाई करते हैं, और देश भर में ऐसे बहुत ज़्यादा संगठन हैं, बहुत ज़्यादा NGO हैं जो डिस्प्लेस्ड लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रेड अबाउट द तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर और द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों सहकारी समितियों का एक संघ है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा जंगल से जो विस्थापित वनवासी थे, यानी कि ऐसे वनवासी थे जिन्हें वहां से हटा दिया गया था, उनके अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे सतपुड़ा फॉरेस्ट की मध्य प्रदेश में। सो सी हियर, ठीक है, ये आपको पता है ये गुजरात है, फिर ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे आपको सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो वनवासी रहते थे जिन्हें इस जगह से शिफ्ट कर दिया गया था, इन्हें यहाँ से हटा के दूसरी जगह पे रहने की जगह दी गई थी, उनके अधिकारियों के लिए जो संगठन लड़ रहा था उसी का नाम है तवा मत्स्य संघ।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम ऑन द तवा रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बिगेन इन 1958 एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1978 विद फॉरेस्ट एंड मैनी एग्रीकल्चरल लैंड सबमर्ज्ड इन द डैम। जो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी है, इस पर 1958 में बांध का निर्माण शुरू हुआ था और 1978 में पूरा हुआ था, और जंगल और बहुत सारी जो कृषि भूमि थी वो बांध बनने से डूब गई। द डिस्प्लेस्ड स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ फिशिंग इन एडिशन टू सम फार्मिंग बाय लिविंग नियर द डैम फ्रॉम विच दे अर्न अ लिटिल। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो वनवासी थे, ठीक है, जिनकी जो कृषि भूमि थी वो डूब गई थी इस डैम के बनने से, इन्होंने क्या किया, वहीं बांध के आसपास की जगह है वहीं पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। इसके अलावा इन्होंने मछली पकड़ने का भी व्यवसाय आरम्भ कर दिया था, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। बट इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट्स फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्व्स टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। 1994 में जो सरकार है उसने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने के जो अधिकार थे और ये जो मछली पकड़ने का काम था, इसे निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villager. तो ये जो निजी ठेकेदार जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ पर लोकल पब्लिक रहती थी, उन्हें काम से बिल्कुल हटा दिया। बाहरी क्षेत्र से ये ऐसे श्रमिकों को ले आए जो कम दाम में वही काम करने को तैयार थे, यानी कि मछलियों को पकड़ने के लिए तैयार थे बहुत ही कम रेट पे। और इन्होंने जो विलेजर्स थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्हें डराया धमकाया भी और उन्हें काम से हटा दिया। विलेजर्स डिड नॉट वॉन्ट टू लीव, लेकिन जो गांव के लोग थे वो वहाँ से हटने को कैसे भी तैयार नहीं थे। दे स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। सभी ने मिलकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन बनाने का फैसला लिया। इन्होंने ये सोचा कि अब ऐसा टाइम आ गया कि हम सबको साथ में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारियों के लिए लड़ सकें। तो इस तरीके से निर्माण हुआ तवा मत्स्य संघ का। द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ ऑर्गेनाइज रैलीज एंड अ चक्का जाम रोड ब्लॉकेज डिपेंडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो संघ ने क्या किया, ये जो इनका तवा मत्स्य संघ था, इसने क्या किया, सरकार से मांग करी कि जो बांध है वहाँ पे मछली पकड़ने का जो अधिकार है वो हमें दिया जाए। इसके लिए इन्होंने टाइम टू टाइम रैलीज निकाली, चक्का जाम भी किया, यानी कि रोड पे जाम कर दिया ट्रैफिक को, और इन्होंने ये डिमांड किया कि ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ के लोकल लोग हैं तो हमें ही मिलना चाहिए फिशिंग का अधिकार। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द कमेटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी द तवा मत्स्य संघ वॉज गिवन अ फिशिंग लाइस इन द डैम फॉर 5 ईयर। तो सरकार ने एक समिति का गठन किया और फिर समिति ने रिकमेंडेशन दिए कि ये लोग सही कह रहे हैं, इनकी बात सही है। फर्स्टली तो इनका जो एग्रीकल्चर लैंड था, जो घर थे, वो सब चले गए डैम बनने की वजह से, तो एटलीस्ट अब ये यहीं के निवासी हैं तो इन्हें ये राइट तो देना चाहिए। तो सरकार ने एग्री किया इस रिकमेंडेशन पे कमेटी के, और 5 सालों के लिए लीज दी ने कि 5 सालों तक आप ही को राइट है यहाँ पे मछली पकड़ने का, इन्हें पट्टा दिया गया। द फिशरमैन टुगेदर फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विद गुड मैनेजमेंट। दे ट्रिपल देयर इनकम एंड प्रूव दैट पीपल ऑल्सो लर्न मैनेजमेंट वैन दे गेट द राइट टू लाइवलीहुड। तो मछुआरों ने मिलकर ये जो सहकारी समिति का गठन किया था, अपने अच्छे मैनेजमेंट की वजह से इन्होंने अपनी आमदनी को तिगुना कर लिया, मतलब 3 times कर लिया जितना वो पहले कमाते थे। आज के टाइम में उसे 3 times ज़्यादा ही कमा रहे हैं, और इन्होंने ये मैनेजमेंट सीखा, जब ये लोग साथ में आए इन्होंने अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखा, अपने हक के लिए लड़ना सीखा। नेक्स्ट, तवा मत्स्य संघ ऑल्सो बिगिन गिविंग द 5 workers लोन टू रिपेयर देयर बोट एंड बाय न्यू नेट्स। जो तवा मत्स्य संघ है, ये मछुआरों को अपने नाव की मरम्मत करने के लिए और नए जाल खरीदने के लिए भी लोन देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल गोइंग ऑन द कंट्रीज टॉक अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लोग आंदोलन करते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं इक्वालिटी के लिए, और वो क्या इक्वालिटी मांगते हैं, वो इक्वालिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने दी है। तो उसके लिए स्ट्रगल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने बहुत ही क्रिएटिव तरीके निकाले हैं कि वो अभिव्यक्त कर सकें खुद को कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। फॉर एग्जांपल, सम यूज़ पेन, कुछ लोग लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कलम का यूज़ करते हैं और लिखते हैं,
जब वो इस टॉपिक के बारे में लिखते हैं तब ये टॉपिक हाईलाइट होता है कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। अदर वॉइस, कुछ लोग सिंगर हैं तो जब वो इस तरीके के गाने कंपोज करते हैं या गाते हैं तब लोगों का ध्यान उस साइड जाता है। देयर एबिलिटी टू डांस, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो डांसर होते हैं तो वो डांस के थ्रू अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि किस तरीके का इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है। कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं तो वो ड्रॉ करके लोगों का अटेंशन उस तरफ खींचते हैं। जहाँ पे भी कुछ इनइक्वालिटी हो रही है, जहाँ पे भी लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे लोगों का ध्यान खींचते हैं। ऑफन पोएम, सॉन्ग एंड स्टोरीज कैन ऑल्सो इंस्पायर अस। कई बार कविताएं लिखी जाती हैं, गीत लिखे जाते हैं या ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे आसपास की सोसाइटी में कहाँ कहाँ गलत हो रहा है और क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए जो हम उन चीज़ों को सही कर सकें भविष्य में। द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी कैन बी मेंटेन्ड ओनली व्हेन ही हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ हिमसेल्फ एंड द फैमिली एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम। कोई भी व्यक्ति या समुदाय है अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी गरिमा के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए क्या करता है, टाइम टू टाइम ऐसे मूवमेंट या ऐसी स्ट्रगल्स को कंडक्ट करता है ताकि जो सोसाइटी है, ठीक है, वो उसको डिस्क्रिमिनेट ना करे, उसके साथ भेदभाव ना करे। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक फॉर लिसनिंग।